Sir, I have I'm Shuchi representing Vendor Vishnu. I have three small queries. One is SPS availability, which is already not from today. Just a clarification, you have talked about OPA. So you are saying that it's going to start next week. Any particular date you are going to give? Any particular date? जब सॉफ्ट लॉन्च जिससे वो बोल रही है, इसमें ये है कि जैसे पेशेंट आ रहा है ना, हम वी आर ड्राई रन का मतलब ये है कि हम पेशेंट जैसे कोई आते हैं, ठीक है, सॉफ्ट रन बोल सकते हैं या ड्राई रन बोल सकते हैं, या वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है. वी आर सीइंग अबाउट 200-300 पेशेंट्स अ डे. जैसे हमने कहा कि इसकी फीडबैक भी हम ले रहे हैं पेशेंट के. पूरे प्रोसेस से जाने के बाद आप हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपका जो है क्या गैप्स हैं, व्हाट यू सजेस्ट क्या इंप्रूव कर सकते हैं. तो हमारा ये है कि वो इसलिए किया है कि कल हम जब ओपन पब्लिक, आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 2,000 to 2,500 पेशेंट्स अ डे, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम जम्मू, बट जितने भी नेबरिंग पंजाब एरियाज हैं, हिमाचल, वहां से भी आएंगे. बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पेशेंट्स. बट ये है कि जैसे मैं कहूँ मैं 9th को ही ओपीडी शुरू करूंगा, बट दिस कमिंग वीकेंड टू स्टार्ट. मतलब पुटिंग इट ओपन टू द जनरल पब्लिक. बट उसके लिए हम 1 वीक पूरा मीडिया में कवरेज देंगे. आपको यहाँ आने के लिए टाइमिंग क्या है, कैसे आना है, कैसे अप्रोच करना है. आप मंडे वाला और आप देख रहे हैं कि फोर न्यूज पेपर पर भी फुट बना रहे. The opinion from the Home Ministry also. We are in touch with the state government. They are not gunmen at least. So they have to be very vigilant. They have to see the things that they could suspicious over there, they will be active. Or regular in training is chalti rehti hai ki ta kya hai. Also humne fire training jo hai wo bhi kahi ki suppose to there is a fire, how they can help into that actually. It's not only the fire guard ko phone karenge भाई आप आके इसको मीट करो, तो मैं क्या करूंगा वहां पर. आई हैव टू बी देयर एट द एंड आई शुड रिएक्ट इमीडिएटली. सो हम हर टाइप के जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, दे आर बीइंग ट्रेन इन दैट आल्सो. जैसे यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग विद माय डीडीए कि भाई लिफ्ट एक ऐसा इशू है कि पीपल इज वो अवेयर नहीं होते हैं. तो हमने डिसाइड किया कि भाई बटालियन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड गन के साथ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. जी बोलिए. Third one is relates to, sir, you have talked about the most advanced equipments you have brought here. So, in case there are some technical slack, so what option you will have? Because this is a major problem in all hospitals. They have the best of the equipment, most advanced, but when it gets to something, it lies. I can say with the pride that I have worked in 25-27 years in games also. I was involved in procurement, but we'll take care about the after sales service and maintenance also. That to be a comprehensive maintenance. So, उसमें ये होता है कि जब हम चेस करते हैं, one of the class is comprehensive maintenance service or after sales service. Depending upon the life of equipment, अगर उसके 3 साल है, 5 साल है, 10 साल, तो we go for that maintenance. एक नया concept हम बोलते हैं 5+5 या 3+7. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि पहले 5 साल जो है, 3 साल जो है, जो भी इशू आएगा वेंडर जो होगा वो फ्री सर्विस दे रहा है, दो चार्जिंग एनीथिंग. उसके बाद जो है कोई स्पेयर्स लेते हैं, सर्विस फ्री देगा पर स्पेयर का चार्ज आएगा. सो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, दैट मैटर्स. हमारे आई डोंट एक्सपेक्ट वन बिकॉज वी हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर्स. उसमें टाइमिंग मेंशन किया होता है कि कितनी देर में रिस्पॉन्ड करना है, बट दैट डिपेंड अपॉन अगर कोई ऑक्सीजन का भी इशू है तो इमीडिएटली करना है. इक्विपमेंट क्या है तो उसमें वी कैन गिव अ टाइम ओवर 12 आवर्स और मे बी 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन इक्विपमेंट एंड देन डिपेंड्स. सर, आपका जो टेलीमेडिसिन का अभी स्टार्ट हुआ था, जो उसमें क्या रिस्पॉन्स आया आपका? जो हमारा उसमें डॉक्टर टू डॉक्टर किया था कि दे शुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. Not very good response actually. In the sense actually, what we expect that actually, if any patient is there, they have some issue, they can discuss each other. लेकिन वो ego बीच में नहीं आना चाहिए, आना चाहिए. That could be one of the reason. But yeah, I think now we are going to open it to the public also. So the moment it starts actually, then our patient को भी कोई issues हैं, they can come directly with the और वो अपनी investigation भेजते हैं, they want to have an opinion.
That's it. Already we have established a telemedicine center here also, and we want to activate that at the number. So जब hospital से शुरू हो जाएगा तो अगर सोच लो उनको consultation के तो लगता है कि इसको further treatment चाहिए तो उनको हम appointment देके बुला सकते हैं. उसको wait नहीं करना पड़ेगा. I know this patient requires immediate treatment and that will be given at a priority also. जो emergency है उसको तो priority देनी ही देनी है. जैसे मैंने आपको patient जो emergency आया, he will be diverted directly to the emergency department. और जैसे कोई सुपर स्पेशलिटी का उसको ओपिनियन चाहिए तो यू विल डायरेक्ट टू दैट. नहीं तो क्या होगा ना, अगर हम थ्री फॉर आर रख लेंगे तो हमारा एक जगह वो इतना क्राउडिंग हो जाएगा ना, जो पर्पसली वो आना चाहते हैं कोई स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पे आना चाहते हैं या तो वो डेली हो जाता है. जो मुझे एम्स दिल्ली में भी जो है महसूस हुआ है कि तो व्हाट आर द गैप्स इन एम्स दिल्ली, वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दोस थिंग्स. कि ये चीजें जो हम शुरू से एक सिस्टम डेवलप कर पाए, ए रेफरल सिस्टम हम एम्स दिल्ली में अभी तक नहीं कर पाए, तो इसलिए जो है ना जो हानि हो पा रहा है, वी आर ट्राइंग टू शुड बी इंप्लीमेंटेड इन एमएलएम आल्सो. दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स. डॉक्टर गुप्ता, मैं पंकज खजूरिया ग्रेटर जम्मू से. सर आपकी लेफ्ट साइड जी. सर आपसे एक प्रश्न रहेगा कि एम्स जम्मू जो सेकंड लार्जेस्ट है अक्रॉस इंडिया और बड़े सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं खासतौर पर डिजिटलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए. आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे ये है कि द मोमेंट वी स्टार्ट एक्चुअली वी आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नेवी स्टेट आल्सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस. एंड कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोस नंबर ऑफ पेशेंट्स सर, उसका कारण ये भी है कि यू आर द सन ऑफ द सॉइल. तो आई नो दैट प्रॉब्लम्स. मैं तो दिल्ली में रहा हूं और मुझे मालूम है हमारे लोग आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं. वी आर ट्राइंग टू एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ टेक केयर अबाउट दोस थिंग्स. इसके लिए we are trying to provide all those facilities over there, but challenge will be handling that number of patients. इसलिए हमने जो है वो एक phase one, phase two, phase three बनाया. The moment we start phase one, जो हमारे 940 beds हैं, immediately we start the for the phase. आप center में group आए इसी अकाउंट के टाइम पूरे दिखाने के लिए. तो अब ये है कि अब जब the moment we start, no I can approach the government कि हमने ये कर दिया, अब हम next जो है वो दीजिए. जैसे पास फैसिलिटीज की दी है हमने, वो तो इमीडिएटली बढ़ जाएगी, लेकिन सारे स्टाफ को अकोमोडेट करने से भी चैलेंज. तो अब उसके लिए हमने आर्ली प्रपोजल एडवांस में मिनिस्ट्री के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला पहले इसको अप्रूव कर लो जनरल गवर्नमेंट की. तो ऑलरेडी 300 करोड़ का प्रपोजल इज ऑलरेडी देयर विद द मिनिस्ट्री. नमस्कार, मैं अभी दो और ज्यादा से एक को जैसे आपने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक से ओपनिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या ऑफलाइन में ही या अदर डिपार्टमेंट में भी होती है? दूसरा ये है कि पेशेंट वॉक भी कर सकता है, दे कैन कम. पेशेंट ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. अगर कोई डॉक्टर उनको रेफर करता है वो भी ऑन है. सो हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो कि लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े. सो अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. जैसे वेरी सिंपल प्रॉब्लम होता है जैसे पेशेंट वॉकिंग आफ्टर विदाउट अपॉइंटमेंट, इट डज नॉट मीन कि पेशेंट को हम नहीं देखेंगे. उसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है पेशेंट वहां जाएगा, जैसे आयुष ब्लॉक है वहां हमारे डॉक्टर्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वो उनको देखेंगे. और 90% पेशेंट वॉकिंग पेशेंट ऐसे होते हैं तो वहीं से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे. 20% ऐसे होंगे जिनको स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए होगी, उनको फिर वहीं से हम जो है सीधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज देंगे या क्रॉस कंसल्टेशन के लिए भेज देंगे जाने होते हैं. दूसरों अगर जैसे मैंने अपॉइंटमेंट लेके आ रहा हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी उन्होंने दिया है, तो मैं जब रिसेप्शन में आऊंगा तो मेरा अपॉइंटमेंट आप दिखा के आपको वेट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस ओपीडी कार्ड बनाना और सीधा डॉक्टर के पास ले जाना. We want to cut down on the waiting actually. Waiting is a very costly thing. अगर आप एयरपोर्ट भी जाते हैं 2 घंटे वेट करना पड़े तो आपको हम सबको जो है बड़ा अजीब सा लगता है, इवन दो जर्नी इज वेरी कम्फर्टेबल, लेकिन वेटिंग इज एन एरिया जहां पर हम कट डाउन कर देते हैं. अब किसी ने जोरी से किसी को रेफर किया एम्स के लिए तो दैट विल बी गिवन अ टॉप प्रायोरिटी बिकॉज ही हैज बीन स्पेशली रेफर फॉर ए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एक्चुअली. सिमिलरली जो है कोई इमरजेंसी में आता है तो उसको तो आगे पीछे भेजना ही नहीं हो, सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट चले जाएगा. इमरजेंसी में इमीडिएटली हमारे पास 40 बेड्स की फिल्म है भी, तो उसको हम बढ़ाएंगे भी है, तो स्टार्ट विथ 40 प्लस आईसीयू है प्लस ट्रायल एरिया है. नॉट आई विल अप्रिशिएट दैट इफ यू स्पेंड सम टाइम विजिटिंग दिस फैसिलिटी देन यू विल सी की व्हाट लेवल ऑफ दिस प्रिपेयरनेस वी आर गोइंग टू फॉर मीटिंग द इमरजेंसी पेशेंट्स आल्सो. दैट्स व्हाई हमने हेलीपैड भी जो है हर एक एम्स में हेलीपैड भी है. एम्स जम्मू हैज गॉट द हेलीपैड दैट टू नियर टू द एमरजेंसी.
100 yards from the emergency. If the patient comes, immediately we can take it to the emergency. So our team is trained in that application. सर मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो ये है सर कि जिस तरीके से सड़क का बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है, मगर ये बहुत बड़ी बाधा है, अभी काफी समय लगा इसको बनते सर। और ईश्वर करे जैसे आपने कहा जल्दी इमरजेंसी भी शुरू हो जाए, पेशेंट भी एडमिट हो जाए। इतना ही सर, अभी हालात खराब है, यहाँ आने के लिए दो ही रास्ते हैं सर, या तो बाई ट्रेन या बाई रोड। आपने देखा होगा आपके सारा स्टाफ जो आता है वो मुश्किलों में होता है कि चलता है, उम्मीद है कि 20-25 मिनट आधे घंटे दो दो घंटे लग जाते हैं। तो इसके लिए जो सर चाहिए, यहाँ क्या था कि हमारे पास दूसरी रेलवे है, जम्मू रेलवे, विजयपुर रेलवे स्टेशन दूर है सर। आपने बड़ा प्रयास किया, मुझे मेट्रो मिली। तो जानना ये चाहूँगा सर सारे मीडिया के लिए, मेट्रो आने के कुछ चांसेस हैं कि पेशेंट जल्दी आ जाए? और दूसरा, जो सड़क के हालात खराब हैं सर, अभी भी 70% यहाँ आने वाले लोगों को नहीं पता, अगर ये भी चांसेस हैं, कुछ योजना है ऐसी? एक तो हमने क्या किया है कि जो रेलवे मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर जो उनके एक तो वही हमारा जो विजयपुर स्टेशन है इसको डेवलप किया जाए, उसका मैंने फोटो खींच के भी उनको विजयपुर। तो इमीडिएटली आई टुक आई ट्रस्टेड श्री युगल किशोर शर्मा जो हमारे अभी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी थे। मैंने कहा सर आप ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट में रेज कीजिए कि हमें देश जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो विजयपुर से बड़ी ग्राउंड से विजयपुर तक जो है वो एक्सटेंड की जाए। वहां पर फिर जो श्री अजय पुरी हैं जो ये लिखते हैं जिनके अंदर आता है, वो फिर जब जम्मू में आए थे उन्होंने पब्लिकली जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि ये क्वेश्चन वहां रेज हुआ था। तो मैंने इंस्ट्रक्शन पास किए कि टू एक्सप्लोर, वो बड़ा इजी है, ये हो भी सकता है कि वहां तक आया तो यहाँ से। देन अनदर मैंने लेटर जो लिखा है हमारे गवर्नर साहब को भी, हमारे रेलवे मिनिस्टर को भी, कि जो जम्मू इज बीइंग डेवलप्ड एज ए एजुकेशनल हब, एजुकेशनल हब बनता जा रहा है, तो प्लीज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ए मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम IIM, IIT, जम्मू यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसको एम्स के साथ कनेक्ट किया जाए। क्योंकि हमने सबके साथ MOU साइन किए हुए हैं और हमारी कैसे बैठे नहीं हो, आई हैव रिटन लेटर टू श्री नितिन गडकरी चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी नॉट वंस बस 2-3 times टू एक्सपीडाइट, and they have agreed। जैसे आपने आपके दिमाग में भी आता होगा कि एक कैंपस इस साइड में है, दूसरा वहां पर है, नेशनल हाईवे है। Then I took up this issue also actually, and they are going to provide 3 underpass, जिसमें दो जो है मोटरेबल होंगे और एक वॉकेबल होगा। बट वी आर हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मोटरेबल भी हो जाए, क्योंकि पीछे जो खानपुर से आएंगे वो क्रॉस करते जाएंगे गाड़ियां भी, जो जम्मू से आएंगे वो उधर से उधर आएंगे, फिर वापस जाना है। ये सारी चीजें हमने एक नहीं कम से कम मल्टीपल मीटिंग हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ, और राइटिंग में भी फिर मैंने हेल्थ मिनिस्टर थे उनको भी फिर लेटर दिया, उनसे भी फिर डिस्कस किया कि सर आप टेकअप करें ये विद रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से, ये पास हो गया। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट दे लिसन टू अस एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, बट दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बाकी जो एयर एम्बुलेंस का, कोई भी हॉस्पिटल एयर एम्बुलेंस नहीं स्टॉप कर सकता है, जो प्राइवेट वाले करते हैं गवर्नमेंट नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट, पहले तो आपको पहले एयर एम्बुलेंस परचेज करनी है, फिर पायलट रखना है, फिर उसको रन करना है, और जहां पर एमरजेंसी में जाएगा तो आप जाके पहले एयर एम्बुलेंस भेजोगे उनको लेकर, तो प्रीशियस टाइम जो है उसमें लॉस हो जाता है। तो ये यूजली जो है यहाँ पर मैं देखा आर्मी वाले जो चौकस है वही यूज होते हैं। मे बी टुमारो देर कैन बी समथिंग प्राइवेट दिल्ली में, जैसे मेदांता है या अपोलो है, दे आर हैविंग देयर ओन दिस एयर एम्बुलेंस। लकी आई हैव डन थ्री मंथ्स ट्रेनिंग इन एयर एम्बुलेंस। आई सपोज टू कोई इमरजेंसी में फोन आता है यहाँ से 10-20 किलोमीटर कि ऐसे पेशेंट इमरजेंसी आप एम्बुलेंस भेजो, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर वहां से आ जाए। इट इज बेटर की जो प्रोविजन